भीलवाड़ा में कोरोना रोकथाम के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के WHO और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शहर में रोगियों की जांच का दायरा बढ़ाने पर चर्चा की गई। शहर में 3 रोगियों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। कोरोना रोकथाम अभियान के जिला प्रभारी डॉक्टर रोमिल सिंह ने यह भी कहा कि जिले में अब तक 26 कोरोना पीड़ितों में से 11 रोगियों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। अब तक हमने बांगड़ चिकित्सालय के सभी लोगों को ट्रेस कर लिया। इसी के साथ अब हम 300 से अधिक लोगों की जांच करने की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं। जो रैपिड रिस्पांस टीम थी उदयपुर की, उनके साथ यहाँ बैठकर हमने 24/7 एक कंट्रोल रूम की स्थापना करी। जो केस जो हमारे फील्ड में निकल रहे थे उनके कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग करी हमने 24/7 कहाँ कहाँ थे। तुरंत हमने जो पॉजिटिव केस थे उनके कॉन्टैक्ट्स को घर से उनको लिया, पिक किया, उनके टेस्ट करवाए। जो जो बांगड़ हॉस्पिटल के हाई रिस्क ग्रुप था, जो IPD थी उनकी, जो ICU के पेशेंट्स थे, OPD थे, उन सबको हम कॉन्टैक्ट में हैं, सबको बराबर जो सिम्टोमेटिक केस हैं, जो कॉन्टैक्ट के टच में हैं, उन सबका हम टेस्ट करवा रहे हैं। तो हमने लगभग 300 टेस्ट प्रतिदिन करने की हमारी कलेक्टर साहब के साथ मिलकर हमने कार्य योजना तैयार करी है। और हर ब्लॉक से हम जहाँ इन्फेक्टेड मरीज है, जहाँ पर ये गए हैं अपने कोरोना वायरस के पीड़ित लोग, डॉक्टर मित्तल हॉस्पिटल की जो OPD के, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। और हमारी लगभग 300 टीमें शहर के अंदर लगी हुई हैं। जो श्रीगंगानगर के घरसाना में लॉकडाउन को लेकर कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त नजर